हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, बेस्ड ऑन दीज सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेट। तो देखो बच्चे, आपसे ऑप्शंस, जब आप ABCD ऑप्शंस चेक करोगे तो जिंक कैन बी ऑक्सीडाइज बाय CO। तो बेसिकली या तो SOP निकाल लो या SRP निकालना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे। लेकिन हमें तो क्या दे रखा है, डेल्टा जी नॉट वैल्यूज। एंड ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। कार्बन देखो यहाँ पे जीरो में था, यहाँ पे +2 में चला गया, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली ये वाली रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। तो क्या मैं डेल्टा जी नॉट वैल्यू से ई नॉट वैल्यूज निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था डेल्टा जी नॉट इज माइनस NF ई नॉट सर। तो डेल्टा जी नॉट इज माइनस NF ई नॉट सर, क्लियर। तो ऐसा करते हैं, ई नॉट सेल्फ निकाल लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, डेल्टा जी नॉट था -460, दिस इज माइनस एन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा होगा, 2CO +O2 गिव्स 2CO, ये रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो, दो की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, एक की +2 तो दो की कितनी हो जाएगी बच्चे, +4, क्लियर। तो जीरो से +4 जा रहा है, तो चार इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज आ रहा है। यहाँ पे एक की भी जीरो, दो की भी जीरो, ऑक्सीजन की यहाँ पे एक ऑक्सीजन की -2 होगी, तो दो की कितनी हो जाएगी बच्चे, -4। तो यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, तो बेसिकली चार इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, चार इलेक्ट्रॉन का गेन। तो जब ये रिएक्शन बनी होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एन वैल्यू विल बी 4 इंटू एफ विच इज 96500 इंटू ई नॉट से, क्लियर। ये जो वैल्यूज हैं ये किलो जूल्स में है, तो आपको इसको जूल्स में भी कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो इंटू 10^3, क्लियर। तो यहां से ई नॉट सेल आ जाएगा अपने पास, एंड ई नॉट सेल आएगा 460 डिवाइडेड बाय 4 विच इज डिवाइडेड बाय 96500 इन 2000, तो ये बनेगा 1.1917 वोल्ट्स। सिमिलरली सेकेंड डायरेक्शन की बात करते हैं, सेकेंड रिएक्शन की अगर हम बात करें, पहले तो एन वैल्यू ही निकाल लेते हैं। जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव्स ZnO, रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, क्लियर। तो एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो, दो की भी जीरो, एक की +2 तो दो की कितनी होगी बेटा, +4। तो जीरो से +4, तो यहाँ तो चार इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज आ रहा है। सिमिलरली एक की जीरो, दो की जीरो, एक की -2 तो दो की भी कितनी हो जाएगी बच्चे, -2। तो यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन्स का गेन आ रहा है, अगेन जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए होंगे, क्लियर। तो डेल्टा जी नॉट आपको दे रखा था 360 किलो जूल्स पर मोल, तो डेल्टा जी नॉट था 360 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा जी नॉट इज -NF ई नॉट सेल, तो यहां से ई नॉट आ जाएगा, एंड ई नॉट विल बी 360 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 96500, तो इन 2000 932 वोल्ट्स, क्लियर। तो देखो यहाँ से अपने पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आ चुके हैं, एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स बेसिकली जो अपने पास आए हैं वो आए हैं ई नॉट कार्बन कन्वर्टिंग इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस वैल्यू इज +1.917 वोल्ट्स, वेयर एज ई नॉट जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक ऑक्साइड, दिस इज 0.932 वोल्ट्स, क्लियर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कि हमने ई नॉट वैल्यूज निकाल ली, CO कार्बन में कन्वर्ट होने इतना वैल्यू है, एंड ई नॉट ऑफ जिंक ऑक्साइड कन्वर्टिंग इनटू जिंक, तो ये वैल्यू। अब ऑप्शंस पे चलते हैं वापस। तो देखो जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड है आपके पास, एंड अकेला जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो रिएक्टेंट्स आ गए, रिएक्टेंट्स आ गए, तो क्या मैं यहां से प्रोडक्ट्स निकाल सकता हूं? बिल्कुल, अगर जिंक हमारे पास एज अ रिएक्टेंट है, अगर रिएक्शन होती है तो जिंक कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है, अगर रिएक्शन हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन के अंदर, अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन वाला टॉपिक, ठीक है। तो पहले फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ लो, क्योंकि इसके आगे मैं वो यूज करूंगा। टॉपिक आप मेरी वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हो, www.drlogics.com, क्लियर। तो अब देखो ये रिएक्शन हो गई, एंड इस रिएक्शन में जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज कहाँ होगा, एनोड पे। तो अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हम लिखें तो सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से बनेगा,
क्लियर। सेल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से बनेगा, तो जो इसका ई नॉट सेल आएगा, दिस विल बी ई नॉट ऑफ जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस ई नॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टिंग इनटू कार्बन। तो जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक ऑक्साइड, ये हमें तो उल्टा पता है, तो कोई बात नहीं, माइनस का प्लस कर देते हैं, 0.932 प्लस ई नॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टिंग इनटू कार्बन, ये एज इट इज पता है, -1.917। तो ये जो ई नॉट है ये तो लेस देन जीरो आएगा, लेस देन जीरो आएगा, नेगेटिव में आएगा बेसिकली, तो रिएक्शन नहीं हो सकती। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन में तो काम नहीं चल सकता अपना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन आपको दे रखा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन दे रखा है, और पूछ रहा है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो बेसिकली मैं इसको रब कर देता हूं, तो हमें क्या दे रखा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। तो कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन आपके पास है, तो देखो जिंक ऑक्साइड वन ऑफ द रिएक्टेंट है, अगर रिएक्शन हुई तो जिंक ऑक्साइड अब कन्वर्ट होगा जिंक के अंदर। सिमिलरली कार्बन हमें दे रखा है, अगर रिएक्शन हुई तो कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो बेसिकली जो एनोड पे रिएक्शन चल रही होगी वो ये होगी, एंड जो कैथोड पे रिएक्शन चल रही होगी वो ये होगी। क्लियर। तो ई नॉट क्या होगा इसका, E naught of carbon converting into carbon monoxide, E naught of carbon converting into carbon monoxide plus E naught of zinc oxide converting into zinc. तो carbon converting into carbon monoxide है minus this value, अच्छा ये उल्टा करना पड़ेगा तो plus में हो जाएगा, plus zinc oxide converting into zinc, तो ये as it is 0.932 volts, तो ये greater than zero आ रहा है, मतलब ये reaction possible है, तो ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो कितना अच्छा कंसेप्ट था, पहले डेल्टा जी से उसने ई नॉट वैल्यूज निकलवाई, फिर फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन लगा के आपसे आंसर निकलवाया। क्लियर, होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।